मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही वैसे भाजपा एवं कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवनी दौरा लगभग तय माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सिवनी दौरा प्रस्तावित हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री सिवनी नगर की जगदम्बा सिटी के पास से लगे मैदान में आएंगे और भाजपा विधानसभा प्रत्याशियों के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान करीब 13 विधानसभा के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। तो वहीं यह आम सभा जिला मुख्यालय की जगदम्बा सिटी के पास वाले मैदान में 5 नवंबर को प्रातः 10 बजे होगी। इसी क्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, भाजपा प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन, वरिष्ठ नेता नरेश दिवाकर, अशोक टेकाम, भाजपा जिला महामंत्री अजय डागोरिया, उपाध्यक्ष प्रदीप राय, आनंद शर्मा, लालू राय, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष माना ठाकुर, शुभम राजपूत सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। देश के प्रधानमंत्री और ग्लोबल लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में हैं। इसको लेकर के न केवल सिवनी जिला, सिवनी विधानसभा और आसपास के सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ता यहां आने वाले हैं। निश्चित रूप से उत्साह का वातावरण पूरे नगर के साथ साथ पूरे ज़िले में है और जिस प्रकार से मोदी जी की योजनाएँ एक एक घर में मिली हैं और एक घर में 7 से 8 योजनाएं जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से मिली हैं और जिस प्रकार से जीवन में परिवर्तन लोगों के आया है, वो अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए निश्चित रूप से यहाँ आना चाहते हैं। हम सब कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में लगे हैं, सारा हमारा नेतृत्व यहाँ लगा हुआ है और प्रदेश नेतृत्व के भी मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री जी का भी, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मार्गदर्शन। हम सब मैं ये कह सकता हूँ कि 5 तारीख को जब मोदी जी यहाँ 11 बजे पहुँचेंगे, यहाँ लाखों लोगों का जमावड़ा होगा। मेरी विधानसभा के तो लोग वहाँ आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेरे ज़िले की और 3 विधानसभाएं उनसे भी आने वाले हैं और लगा हुआ हमारा छिंदवाड़ा बालाघाट से भी लोग इस सभा में पहुँचेंगे। हम लगभग 13 प्रत्याशी इस सभा में प्रत्याशी के रूप में रहेंगे माननीय मोदी जी का, और वो हमारे एक ऐसे लीडर हैं, जन नायक हैं, जिनको देखने सुनने के लिए सब में एक जिज्ञासा है। मैं तो समझता हूँ माता बहनों का अपार यहाँ पर भीड़ होगा जो उनको सुनेंगे, देखेंगे और जिनकी लीडरशिप में हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित राष्ट्र में, विकसित राष्ट्र में और एक सम्मान और एक धर्म के राष्ट्र में हम लोग चल रहे हैं। ऐसे लीडर को देखना सुनना ये हमारे लिए गौरवान्वित करता है।